आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अमेज़ोन पे सेलर बनना चाहते हैं या अमेज़ोन पे सामान बेचना शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये वीडियो उनके लिए जिनके मन में सवाल है कि हमें अमेज़ोन सेलर बनने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होता है और कैसे बनते हैं सेलर। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल डिटेल जानकारी मिलेगी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कि क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या करना पड़ता है अमेज़ॉन पे सेलर बनने के लिए। आज मैं अमेज़ॉन पे बना रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट पे बनाऊँगा, फिर मीशो पे बनाऊँगा, अभी अमेज़ॉन पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अमेज़ॉन आप जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। आप इस पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है और लिस्टिंग करनी होती है, फिर आपको ऑर्डर को पैक करके शिप करना होता है और ऑर्डर का जब कस्टमर तक पहुँच जाता है उसके कुछ दिन बाद आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि मतलब क्या मतलब वो प्रोसेस होती है बाहर बाहर से, लेकिन अंदर की तरफ कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अमेज़ॉन पे अगर सेलर का अकाउंट खोलना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके बिना आप अमेज़ॉन पे सेलर बन ही नहीं सकते। देखिए डॉक्यूमेंट्स वैसे तो बेसिक ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह हो गया और पिकअप एड्रेस हो गया या फिर GST हुआ और पैन कार्ड लगता है GST के लिए। इसमें सबसे मेन GST आता है। अब GST बहुत से लोग घबरा जाता है सुन के कि GST कहाँ से लें, क्या करें, या फिर हमें कुछ मंथली चार्ज पे करना होता है क्या। देखिए GST लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान चीज़ है बहुत, ठीक है। उसके लिए पैन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। आपको GST वैसे तो मैंने GST के ऊपर कैसे मिलता है GST इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, GST के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पर GST बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास GST होगा, अच्छा GST के बिना आप अमेज़ॉन पर सेलिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बस किताबें बेच सकते हैं GST के, GST आपके पास है तो बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बेच सकते, ठीक है। जैसे आपने GST मान लीजिए आपको मिल गया GST, ठीक है, उसके बाद अपना सेलर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट क्रिएट करना होता है बहुत आसान होता है, अपने सिर्फ डिटेल्स डालनी होती है, अपने शॉप का नाम डालना होता है, GST नंबर डालना होता है और अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। अब अकाउंट तो चलिए खुल गया, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो कोई हर कोई खोल लेता है अकाउंट। तो अब इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो अमेज़ॉन पे है वो है लिस्टिंग की। मतलब इससे बड़ी दिक्कत अमेज़ॉन पे इस वक्त नहीं है लिस्टिंग की। लिस्टिंग करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है किसी किसी मामलों में। मैं आपको बता दूं लिस्टिंग तीन तरीके से हो सकती है अमेज़ॉन की। एक तो अगर आपके पास लोकल प्रोडक्ट है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं बिल्कुल ही लोकल, जिनको जेनरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक तो आप वो बेच सकते हैं। एक आप खुद के ओन ब्रांड बेच सकते हैं, आपका कोई ब्रांड आपने रजिस्टर करवाया हुआ हो, ठीक है ना। अब इन ओन ब्रांड को दो तरीके से बेच सकते हैं, एक तो आपने रजिस्टर कराया रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है वैसे, या फिर GTN एग्जम्पशन लेके, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचें, ठीक है। कौन से मेरे तीन तरीके पता है, एक लोकल बेचें, एक खुद का ब्रांड बेचें और ब्रांडेड बेचें। अब बेचें प्रोडक्ट्स को, अब तीनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर है, तीनों के लिए अलग प्रोसीजर है। जेनेरिक प्रोडक्ट यानी कि लोकल प्रोडक्ट, इसके लिए अलग तरीके से लिस्टिंग होगी, और जो ओन ब्रांड के प्रोडक्ट हैं उसमें आप अलग तरीके से करेंगे। और ब्रांडेड के लिए आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें ट्रेडमार्क चाहिए अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, नहीं ज़रूरी नहीं है ट्रेडमार्क, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाकी हाँ, आपको कंपनी की चीज़ें बेचनी है, ब्रांडेड चीज़ें बेचनी है तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। अब मैंने आपको बताया तीन तरीके की लिस्टिंग, जेनेरिक प्रोडक्ट की यानी कि लोकल प्रोडक्ट की लिस्टिंग, दूसरा ओन ब्रांड बेचना जो कि आप GTN एग्जम्पशन ले सकते हैं, और तीसरा ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है। आपको जेनेरिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं आप देखना चाहते हैं थोड़ा कि कैसे होती है, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है ओन ब्रांड की। अब ओन ब्रांड की लिस्टिंग आमतौर पर जो लोग ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं वो GTN एग्जम्पशन लेते हैं। अब GTN एग्जम्पशन कैसे लिया जाता है और GTN एग्जम्पशन लेने के बाद उसकी लिस्टिंग कैसे करी जाती है, मैं उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
और तीसरा आता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं इसका भी मैं वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ आपको। तो ये तीन तरीके के मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको देख के पहले आइडिया हो जाएगा कि कैसे अमेजोन पे सेल कर सकते हैं हम, ठीक है ना? आप उन सारे वीडियोस को देख के पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई लिस्टिंग। अब लिस्टिंग से पहले एक और जरूरी बात बताना चाहूँगा आपको कि सोर्स क्या करना है, मतलब सामान सोर्स कहाँ से करना है, कहाँ से खरीदना है। देखिए आपको सामान सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है वो होता है कि आप होलसेलर्स से खरीदें, और सबसे डिफिकल्ट होता है खुद मैन्युफैक्चर करना। अब खुद मैन्युफैक्चर करना हर एक के बस की बात नहीं है, तो आमतौर पे आप हर चीज़ के होलसेल मार्केट होते हैं, कपड़ों के हुए, फुटवियर्स के हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हुए, जो भी है आप वहाँ से खरीद के अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हैं। अब लिस्टिंग के बाद आपको ज़रूरत होगी पैकिंग मटेरियल की। सबसे पहले तो आप सामान लाएंगे, फिर उसको लिस्ट करेंगे। अब लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपना अमेज़ॉन का रोज़ अकाउंट लॉगिन करके चेक करें, ठीक है ना? वैसे तो ईमेल भी ये करते हैं अमेज़ॉन वाले, लेकिन किसी किसी से ईमेल क्या मिस हो जाता है। तो आप अपने रोज़ अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोल के चेक करें, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं? ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आपको सामान अपना लेना है, और कुछ पैकिंग के सामान की ज़रूरत होगी, जैसे कि बबल रैप वगैरह चाहिए होगा, अमेज़ॉन की ब्रांडेड पैकेजिंग चाहिए होगी, जो अमेज़ॉन जिस पर छपा हुआ होता है वो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे ही मिलेगा पैकिंग का सारा सामान। अमेज़ॉन का क्या क्या चाहिए होता है, कुरियर बैग चाहिए होता है, या तो कुरियर बैग में भेजें आप सामान को, या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में भेजें, ठीक है ना? लेकिन अमेज़ॉन प्रिंटेड प्रिंटेड होना चाहिए। कार्डबोर्ड बॉक्स में तो खैर टेप लगा सकते हैं, अमेज़ॉन प्रिंटेड का टेप, और जो कुरियर बैग होते हैं अमेज़ॉन प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है? उस पर आप सामान पैक करके शेड्यूल पिकअप करेंगे, ठीक है? फिर आप अपने आप आके डिलीवरी वाले, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके घर पे आके ले जाएंगे और वो सामान डिलीवर कर देंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप कोई शर्ट बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं, कस्टमर को सामान डिलीवर हुआ और 1 महीने बाद आपका पेमेंट आपको दे दिया जाएगा, अगर कस्टमर रिटर्न नहीं करता है तो। मतलब सारे प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग हैं पेमेंट छूटने का, किसी के लिए 1 महीने में मिलता है पेमेंट, किसी में 10 10 दिन में, किसी में 7 दिन में, उस हिसाब से होता है, लेकिन कैटेगरी वाइज मिलता है। तो अब अमेज़ॉन पे आपको बेचना है, तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग में कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए आपको प्रोडक्ट की सही इमेजेस खींचनी होती है एकदम, जैसे प्रोडक्ट मतलब कोई चीटिंग वगैरह नहीं करें, रिटर्न आएंगे फ़ायदा नहीं होगा, रिटर्न रिटर्न आएंगे तो फिर लॉस होगा आपको। प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करनी है, प्रोडक्ट का फ़ोटो खींचना है, और वाइट बैकग्राउंड आप एडिटिंग करके कर सकते हैं, फोटोशॉप में या फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी हो सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा आगे एक आध वीडियो में बता के कि एडिटिंग कैसे होती है उसकी। आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स वगैरह सब लिखना है, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है, अब जाके चैनल पे देख सकते हैं। और ये सब लिस्टिंग करने के बाद आपको लिस्टिंग्स को अपनी सेव कर देना है अमेज़ॉन पे। उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अमेज़ॉन पे सेल करना फ़ायदेमंद है कि नहीं। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अमेज़ॉन पे सेलिंग करना सिर्फ तभी फ़ायदेमंद है जब आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सेलिंग करें, कोई बेईमानी नहीं करें। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने प्रोडक्ट के टाइटल डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा, फोटोज़ में कुछ और दिखाया, और भेज कुछ और दिया कस्टमर को, या फिर क्वालिटी बहुत ख़राब हुई, तो 100% मतलब 95% चांसेस है रिटर्न आने के प्रोडक्ट के। ऐसे में आपको बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि रिटर्न जब आता है तो उसकी रिटर्न की फ़ीस सेलर से ही लेते हैं, जो शिपिंग चार्जेस होते हैं सेलर से ही लेते हैं। तो आप क्या, अगर कम रिटर्न देंगे 20-25% रिटर्न तो आते हैं, अगर ज़्यादा आते हैं तो आप बहुत भारी लॉस में रहेंगे। तो याद रखें, बिल्कुल फेयर तरीके से बिजनेस करें, प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, लेकिन फेयर तरीके से बिजनेस करना है बिल्कुल। अगर आप कर सकते हैं तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपको लॉस ही हो गया अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। तो आप तीन तरीके से लिस्टिंग, मेन जो मुद्दा है मैंने बताया लिस्टिंग का है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं कि कैसे होती है लिस्टिंग, ठीक है? लोकल प्रोडक्ट की, जिनको जेनरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ओन ब्रांड की लिस्टिंग कैसे होती है, और वो ब्रांडेड की कैसे करते हैं, ठीक है? ये जब लिस्टिंग के सीख जाएंगे फिर आप पूरी तरीके से तैयार हैं अमेज़ॉन पे बेचने के लिए,
आप चाहें तो ट्रेडमार्क अपना ले सकते हैं, अपने ट्रेडमार्क से अपने ब्रांड को फिर उस नाम से बेच सकते हैं। हालांकि ये स्टार्टिंग में कोई नहीं करता, थोड़ा मुश्किल रहता है ये उस नाम से बेचना, उस पे स्टैंप लगवाना या फिर उसी नाम से, तो एक मुश्किल होता है। तो जो तरीके मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस दूंगा वहाँ से देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।